दीपावली 2019 तक क्या होगा सोने का भाव, जानिए एक्सपर्ट राय। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में, मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं आज के लेटेस्ट अपडेट सोने के भाव को लेकर एक्सपर्ट राय की। दोस्तों क्या कहते हैं एक्सपर्ट, दिवाली तक क्या रहेगा सोने का भाव, चलिए जान लेते हैं। और क्या संभावित भाव रहेंगे, चलिए जानते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे अपडेट रहे आप देश की सभी कैटेगरी की अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। दोस्तों सोना बना निवेशकों की पहली पसंद, दिवाली तक 42,000 रुपए तक हो सकता है सोना, क्या कहता है एक्सपर्ट, चलिए जानते हैं। आर्थिक सुस्ती के बीच सोना नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है और चांदी की चमक भी बढ़ रही है। विश्लेषकों का अनुमान है कि पीली धातु की चमक अभी कुछ और समय तक बनी रहेगी। इस समय जबकि देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में नरमी या गिरावट का दौर चल रहा है, शेयर बाजार टूट रहे हैं और प्रॉपर्टी बाजार भी ठंडा है, ऐसे में सोना उन गिनी चुनी संपत्तियों में से है जिनमें लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। भारत में कीमती धातुओं में निवेश करने वाले निवेशक इस समय चांदी काट रहे हैं। विश्लेषकों का अनुमान है कि सोने में तेजी अभी जारी रहेगी, दिवाली तक इसकी कीमत नया रिकॉर्ड स्थापित कर सकती है और सोने के निवेशकों को 20% तक लाभ भी मिल सकता है, जबकि 2018 में इसमें निवेश का रिटर्न करीब 6% था। गत 31 दिसंबर को दिल्ली में सोने का भाव 32,270 रुपये की प्रति 10 ग्राम था, जो कि बढ़कर धीरे धीरे दोस्तों 40,000 पार भी कर चुका था। और यदि हम चांदी की बात करें तो चांदी 50,000 रुपये किलोग्राम तक भी पहुंच चुकी थी। और दिल्ली बुलियन एंड ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विमल गोयल ने कहा है कि दुनिया भर में मंदी की आशंका से सोने की कीमतों में उछाल आया है। गोयल का कहता है कि घरेलू अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती के अलावा अमेरिका चीन व्यापार युद्ध भी इसके लिए एक बड़ी वजह है, और इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये में आ रही गिरावट भी इसका एक बड़ा कारण है कि सोने में तेजी आ रही है। गोयल कहते हैं कि विदेश और निवेश के मामलों में इस समय सोना बेहतर विकल्प है। उन्होंने कहा है कि दिवाली के समय सोना 42,000 रुपये तक भी हो सकता है और चांदी 52,000 रुपये तक पहुंच सकती है। अखिल भारतीय सराफा संघ के उपाध्यक्ष सुरेंद्र जैन का मानना है कि दिल्ली में जो है सोने में बड़ी उथल पुथल मच रही है और दिल्ली के अलावा राजधानी के अलावा संपूर्ण देश में सोने के भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं। जैन ने कहा कि इस समय रुपया भी जो है नहीं बल्कि देश के अन्य मुद्राएं भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही है, इसका सीधा लाभ सोने को मिल रहा है। दोस्तों उल्लेखनीय है कि बजट के बाद भारतीय शेयर बाजार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की ओर से रुपये पर दबाव बढ़ा है और डॉलर के मुकाबले रुपयों की विनिमय दर 72 रुपये प्रति डॉलर से भी हल्की हो चुकी है। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलर्स ट्रेडर्स फेडरेशन के पूर्व चेयरमैन बच्छराज बमवाला का कहना है कि सोने में तेजी पीछे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के कारक हैं। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के अलावा वैश्विक नरमी, ब्रेग्जिट, ब्रिटेन के यूरोप संघ के निकलने के मसले और इसकी वजह हो सकती है। बमवाला का कहना है कि जो है सोना दीपावली तक 41,500 रुपये तक पहुंच सकता है और साथ ही दोस्तों चांदी में भी तेजी देखी जा सकती है। तो दोस्तों यदि अगले साल की हम बात करें 2018 की, तो 6% रिटर्न मिला था निवेशकों को दीपावली तक, और यदि आप इस बार की यदि हम बात करें तो इस बार जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि 20% तक लाभ हो सकता है सोने में। तो यदि आप इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वैसे भी त्योहारों पे जो है भाव रेट बढ़ता है, फिर भी आप जो है अपने विवेक से निर्णय लें, क्योंकि यह संभावित है और एक्सपर्टों की राय भी संभावित है। तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान सके इस लेटेस्ट अपडेट को, रह सके सावधान और सतर्क।